वंदे मातरम दुनिया बहुत ही मनुख्या गुरु नानक देव जी महाराज जिन्ना दा जन्म चौदह सौ उन्तर पाकिस्तान दे पंजाब दे तलवंडी नगर इच होया जो आज ननकाना साहब कहला है जन्म तो ही ओ, एक अनोखे बालक रहे मुखते इन्ना तेज सी कि सारे लोग देख के हैरान हो जाते बहुत छोटी जी उम्र उन्होंने कई कारनामे कर दिखाए चार साल की उम्र ही उन्होंने सारे अखर याद हो गए सत साल उम्र उन्होंने कई किताबा पढ़ लीतिया और अठ साल उम्र ही उन्होंने एक ओंकार का भी संदेश दिता लोगों ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿੱਸੇ ਔਰ ਕਾਰਨਾਮੇ ਐਸੇ ਜੁੜਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਾਉਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਥੱਕ ਕੇ ਲੇਟ ਗਏ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਦਰੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਗ ਆਇਆ और उन्हें अपना फन इस तरह फैलाया कि उन्होंने चेहरे से जो सूरज की रोशनी आ रही थी सी ढक्की गई एखकर सारे गाँव वाले हैरान हो गए और उस गाँव के जो मुखिया से उन्होंने समझ आया कि यह कोई आम पुरुष नहीं है बल्कि एक देवता है तद्दी तो उन्होंने नाम के अगे नानक देव जी भी जुड़ गया इसी तरह एक बार वह गाँव के रान गए और गावू साइड ते ता कई गाव दूसरे के खेत ते चलिया गई ने उन्हें फसल खा ली और बहुत सारे किसान भजदे हुए दे कोल आए और उन्होंने कहा कि थोड़ी गावे ने साडे खेतों खराब करता ए देखकर नानक देव जी खुद गए, ते सारे लोग हैरान हो गए कि जिन्ने खेत उन्होंने तबाह हुए देखे से वह सारे खेत वापिस ठीक हो गए यह सब किस्सा के चलते उन्होंने पिता जी ने भी वो चिंता होने लग पी उन्होंने सोचा ना तो यह कोई काम करते ना कोई पढ़ाई कर रहे ने तो उन्होंने एक बारी नानक देव जी ने बुलाया और भी रुपए दे के कहा कि जाओ कोई अच्छा सौदा करके आओ तो दसना तुं की कमा के लियाए नानक देव जी वह भी रुपए लेके चले गए कुछ दूर त गाँव पहुंचे तो उतें देखा कि बहुत सारे लोग उुख और बीमारी के कारण परेशान सारे पैसा नाते खाना और दवाइया का इंतजाम किया और दी सेवा की ऐसी तरह टाइम बीतता गया और दी शादी भी होई और दो बच्चे भी हो तद वह सुल्तानपुर रेंदे सारी संौदा सौ छियानवे रोज की तरह नदी स्नान कर गए और डुबकी लगाई और वापिस ही नहीं निकले। तीन दिन दे बाद वो दोबारा उसी जगह तो प्रकट होए, लेकिन वो नदा पूरा रूप बदल लाया सी। ओ एक तरह नवे प्रकाश से नाल आए और उन्होंने सबनुए संदेश देता कि ईश्वर एक है और पूरा जहां ओदी ही संतान है गीए और ऐस करके सारे परिवार दे ही लोग हो इस करके आपसि रल मिल के रहना चाहता है ओ सारे लोगों तक पहुँचाना चाहते दुनिया का संदेश देने वास्ते गुरु नानक देव जी ने ठानिया कि वह पैदल यात्रा करेंगे इन्होंने यात्रावानी उन्होंने मरदाना और भाई रामदास जी सदा सा छोटी मोटी यात्राव नहीं सी पांच व्डिया की कीतिया जो कई कई साल तक चलिया पहली यात्रा उन्होंने भारत देश तो ही शुरू की थी। भारत और आज दे पाकिस्तान उस इलाके उन्होंने पहली यात्रा की थी जो सात साल तक चली उस तो बाद अगले सात साल और दक्षिण भारत और श्रीलंका तक गए उस तो बाद कश्मीर नेपाल सिक्किम तिब्बत इन्होंने सारी जगह पर भी गए और उस तो बाद अफगानिस्तान और अरब के दे देशों भी उन्होंने पैदल यात्रा की थी कुल मिलाकर लगभग अठाईस हजार किलोमीटर वो पैदल चले और कई साल तक उन्होंने उन्हत्राव चलिया जिन्हों पदासियां किया जाता है उन्होंने इन्हों यात्रावे कई लोगों कई तरह के गल्त और उन्होंने बहुत सारे मशहूर किस्से इन्ह ही यात्रावों ने अस सुने ने एक मशहूर किस्सा यह भी कि एक बारी वो एक गाँव गए जिथे लोग ने बिल्कुल भी किसी तरह की मदद नहीं की थी। कोई उन्होंने खाना नहीं पुछा कोई रहन की कोई सहूलत नहीं दिखती तो जाते उन्होंने उन्होंने आशीर्वाद दिता कि ती इो उस तो बाद जो अगले गाँव पहुंचे ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਾਨਕidev ਜੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਔਰ RAMDAS ਜੀ ਕੋਲ ਰਿਆਨੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ گاؤں ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਸੇ ਰਹੋ। और इन्होंने वक्ो वक् हो आशीर्वाद देता नही करते हैं भलाई पूरी दुनिया तक पहुंचनी चाहती है इस करके मैं क्या कि अच्छाई दूर दूर तक पहुंचे तो यह होंगे सीना की सेवा भी करते उन्होंने ो एक होकर रह शिक्षा भी दित्ते हुए तीन सिद्धांत अज भी हर सिख वास्ते पत्थर की लकीर है उन्होंने कहा नाम जपो यानी हर वेले ईश्वर वेलेश्वर याद रखो ता सिमरन कदी नहीं छड़ना चाहिए दूसरा किरत करो यानी ईमानदारी नाल दूसरा की सेवा करो और ईमानदारी की ही कमाई खाओ इस दे भी एक बड़ी इंट्रस्टिंग कहानी जुड़ी हुई है एक बार एक बहुत ही मशहूर और अमीर अधिकारी सी जिदा नासी मलिक भागो उन्हें एक बारी गुरु नानक देव जी ने अपने घर खाने ते बुलाया। नानक देव जी जो जा रहे सी ते रस्ते इच एक बड़ाई दा मकान आया जिरा ना सी भाई लालो उन्हें नानक देव जी बहुत आदर के नाल अपने घर खाने वास्ते बिठा लिया जिम ही वह उन्होंने घर खाना खा रहे सी, ते मलिक भागो का कोई आदमी उन्होंने देखकर बहुत हैरान होया उन्हें जाके मलिक भागो पड़का दता मलिक भागो ने जल्दी अपने आदमी कर नानक जी ने बुलवा भेजा और आना दे उपर अग बबूला होकर गुस्सा होने लग पाया नानक देव जी ने कहा तू जो रोटी मैं खिलाना चाहता सी तू एक रोटी लेके आ इस तरह उन्होंने एक रोटी भाई लालो तो भी मंगवा ली और दोनों रोटियां तो उन्होंने एक हाथ एक और दूसरे हाथ दूसरी रोटी जो निचोड़िया तो जो भाई लालो की रोटी ओचो तो दुध निकलिया और मलिक भागो की रोटी इच्चों खून निकलिया तो उन्होंने मलिक भागो ने कहा तेरी कमाई सची कमाई नहीं सी तू लोग पैसा कमया खून निचोड़ के जो पैसा कमाया उ तेरी रोटी बचाया सुन के मलिक भागो बहुत दुखी होया और शर्मिंदा होया और उस तो बाद बा नानक जी का चेला बन गया नानक जी का तीजा संदेश है वंड छको यानी हर चीज वंट के खाओ जिन्हों जरूरत है ओनू पहले दो ए तीनों संदेश लैकर पूरी दुनिया के गुरुद्वारे हर समय नानक जी को याद करते हैं और लोकी भी उत्थे जाके देख सकते हैं हर गुरुद्वारे थानू शब्द कीर्तन और पाठ रोज होते हो ने अपने हाथों नुते चप्पल उठाते हैं साफ करते हैं मत्थे तलाने और सफाइया भी करते हैं उना भी बनता है सब यह लोग अपनी श्रद्धा के नाल उत्त किरत करते हैं हर समय उ लंगर चलता है यानी वंट छको और हर व्यक्ति भावें किसी भी अहदेदा होए सारे लोग बह के लंगर छकते हैं तो यह सिख पंथ द स्थापक गुरु नानक देव जी की कुछ गल् अंत एक इंट्रस्टिंग किस्सा होर सुना चाहवागी एक बार गुरु रबिंद्रनाथ टैगोर जी न किसी ने पूछया ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੌਰਵ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਲਿਖੋਗੇ ਕਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗੀਤ ਕਿਆ ਸੀ सतनाम करता पूरक निर्भो निर्वै अकाल जप आज सच जुगाद सच है भी सच नानक हो सी भी सच कामनाओं नाल सारे नु नानक देव जी दे जन्म दे पावन पर्व गुरपुरब दिया लख लख वधाइया